हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम आज पैजामा का जो मोहरी होता है उसमें बकरम किस तरह से लगाते हैं उसको हम आज सीखने वाले हैं। तो आप सब मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिए। तो आप देख सकते हो मैंने ये बकरम 1 इंच काट के ले लिया है। ये 14.5 इंच का है और आप लोग इससे ज़्यादा चौड़ा भी रख सकते हो बकरम को, जितना आपका मर्जी है। और मैं 1 इंच रखी हूँ इसको। तो हमने यहाँ पे इसको बकरम को लगा के इसको फोल्ड कर दिया है। तो हम इसे किस तरह से सीखना है, बनाना है, हम आपको बताएंगे। और आप मेरे हर एक वीडियो को ज़रूर देखें। हम छोटी छोटी जानकारी जब हम कपड़ा सिलते हैं ना, छोटी छोटी जानकारी जो होते हैं वो सब हम देने वाले हैं वीडियो में, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके सिल लिया है। आप लोग देख सकते हो ये उल्टा भाग है, ये वाला हमारा सीधा है। हम इसे घेरा वाला पैजामा बनाना चाहते हैं। इस तरह से इसको अब हम फोल्ड करेंगे। आप लोग देख सकते हो अब हम इसको पूरा यहाँ तक सिलाई करेंगे। हमने सिल्क रेडी कर लिया है, देख सकते हो ये उल्टा भाग है लेकिन एक भी पता नहीं चल रहा है। हमारा सिलाई एकदम फिनिशिंग के साथ बना है, आप लोग देख सकते हो। और ये हमारा है सीधा भाग। हम इसमें तरह तरह के डिजाइन होते हैं जो बनाते हैं। इस तरह से एक ऐसे तिकोना डिजाइन होता है इस तरह से, और एक होता है इस टाइप से डिजाइन। लेकिन मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं डालूंगी। ये देख रहे हो आप सब, ऐसे तरह तरह के डिजाइन बनता है। मैं इसमें सीधा लाइनिंग देने वाली हूँ, वो भी बहुत सुंदर दिखता है, मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो हमने सिल के रेडी कर लिया है। आप लोग देख सकते हो कितना फिनिशिंग बना है। इसमें 5 लकीराएं हैं, 1 2 3 4 5 देख सकते हो आप लोग। और ये उल्टा भाग है, ये भी कितना सुंदर फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। ये हमारा पैजामा है जो घेरा वाला बनने वाला है। और इसमें मैंने ये 3 पार्ट तक का सिलाई है, मतलब कटिंग हुआ है 3 भाग में, देख सकते हो आप। एक भाग और यहाँ से यहाँ तक एक भाग है, 2 भाग हो गया और ये 3 भाग। तो मैं इसको फुल पटियाला में बनाने वाली हूँ। और इस तरह से छोटी छोटी जो टिप्स होती है उसे सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।